सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता ही है, आज से कुछ टाइम पहले मतलब 2-2.5 महीने पहले जो रजत दलाल और जो एजाज खान के बीच में कंट्रोवर्सी चल रहा था, थोड़ा बहुत ऐसे मतलब झगड़ा हो रहा था, वो फिर से शुरू हो चुका है। मतलब फिर से जो एजाज खान ने रजत दलाल के बारे में उल्टा सीधा बोला था, और रजत दलाल इससे पहले मतलब 2-2.5 महीना पहले जब इसके बीच में मतलब रजत दलाल और जो एजाज खान के बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रहा था, तभी रजत दलाल मुंबई थे और उधर रजत मतलब जो एजाज खान को बुलाया था, लोकेशन शेयर किया था, लेकिन एजाज खान उससे मतलब ऐसे मिलने के लिए मना कर दिया था, मिला नहीं था। लेकिन अभी जो है एजाज खान ने एक मतलब रिप्लाई वीडियो, एक वीडियो में लाइव आकर क्या कुछ बोला है, आप लोग पहले इस वीडियो को सुन सकते हो। अभी यहाँ दूसरी बातें चल रही है, मेरे हिंदू भाई आके यहाँ बकवास कर रहे, कुछ अच्छे भी है लेकिन कुछ यहाँ बकवास कर रहे। वो अच्छी बातों में तुम बीच में आ रहे हो, फिर वही बात है, फिर गाली दूंगा, बोले एजाज खान गाली देता है। हाँ, तुम्हारे चक्कर में उनको गालियां दे देता हूँ मैं, तुम्हारे भगवान लोग को जो जिनको तुम इतना पूज रहे हो, वो रजत दलाल बड़वा चोर कहीं का, जान दो बेटा जान दो, अभी मैं कुछ दूसरी बातें कर। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या एजाज खान सिर्फ बातों में ही मतलब ऐसा बोलती है, या फिर मतलब अपने में दम है, या फिर नहीं एजाज खान के मतलब कलजे में दम है या फिर नहीं, आप लोगों को क्या लगते है, मतलब लगता है? इससे पहले भी जो इसके उसके बारे में बहुत लोगों के बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं एजाज खान, लेकिन जब भी मिलने की बारी आती है तभी एजाज खान मिलने के लिए नहीं जाता है। तो आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो के बारे में, इस कंट्रोवर्सी के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हो।